हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम हमारे चेहरे को साफ, सुंदर एंड ग्लोइंग बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं महंगी महंगी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन हम घर पर ही वही जो कुछ होम रेमेडीज बना के हम अपनी चेहरा जो है उसको ग्लोइंग बना सकते हैं एंड उसको जो है सॉफ्ट एंड स्मूथ बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे ही कुछ रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोग इजीली घर पर ही एक स्क्रब एंड फेस पैक बना पाओगे, जो कि कॉफ़ी की मदद से, जो कि कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके मदद से हम ऐसे स्क्रब एंड फेस पैक बनाएंगे जिससे कि हमारा जो चेहरा है वो ग्लोइंग एंड सॉफ्ट दिखे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले हम बनाते हैं स्क्रब, जिसके लिए मैंने लिया है ये चीनी जो कि थोड़ा सा क्रश किया हुआ है। आप लोग ज़्यादा पाउडरी नहीं बनाना है, स्क्रब की दाने जैसे रहते हैं वैसे ही आप लोगों को बनाना है। एंड उसके साथ मैंने ये ब्रू का छोटा सा पैकेट कॉफ़ी लिया है जो कि 2 रुपये में आता है, और इसको मैं आधा इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून जो है चीनी मैंने लिया है, तो इसमें मैं आधा जो है कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, क्योंकि अगर ये कम लगे तो फिर से मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी डाबर का हनी। गाइस, हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आप लोग ध्यान रखिए, कोई सा भी अगर आप लोग होममेड स्क्रब बनाते हो तो उसमें कोई सा भी जो है स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला चीज़ इसमें ऐड कीजिए, जैसे कि हनी हो गया या फिर कोकोनट ऑयल हो गया, जो भी आप लोग पास अवेलेबल है वो आप लोग ऐड कीजिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए ताकि जो है ज़्यादा क्वान्टिटी में ये ना चला जाए। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में हो गया तो वो वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग मिलाइए, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे आप लोगों को मिलाना है। आप लोग देख सकते हो ये मैंने मिक्स कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगता है ये हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा गीला कर करके जो है स्क्रब करेंगे, इसलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगा विटामिन सी की कैप्सूल की टैबलेट की जो पाउडर इसमें ऐड करूँगी, जो कि मैंने पहले से क्रश करके रखा हुआ है। आप लोग चाहे तो इसमें विटामिन सी के अलावा आप लोग इसमें विटामिन ई भी ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों का ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप लोग इसमें विटामिन ई के कैप्सूल की ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। इस पर मैंने विटामिन सी का जो है टैबलेट का पाउडर इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जो स्क्रब है या फिर पैक है उसमें थोड़ा सा विटामिन सी भी इसमें ऐड रहे, इसीलिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा हनी ऐड करना चाहिए, सो मैंने फिर से इसमें हनी ऐड कर दिया है। सो अभी इस सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गाइस, विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी किसी भी प्रोडक्ट्स में, चाहे वो कोई भी होम रेमेडी हो, इसमें विटामिन ई और सी का मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही जो विटामिन से वो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए स्क्रब की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने पहले अपनी जो है फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, एंड अब मैं इसको अपने बालों को थोड़ा सा अच्छे से टाई कर लूँगी। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है अपनी जो है फेस को, और उस स्क्रब अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फेस पर स्प्रे करना चाहूँगी, ताकि मेरी फेस जो है थोड़ा सा गीला रहे, ताकि मुझे स्क्रब अप्लाई करने में इजी हो। तो आप लोगों को जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वैसे ही आप लोगों को स्क्रब अप्लाई करना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को जेंटली अपनी फेस पर स्क्रब करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो जो है चेहरे पर जो है रैशेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस, जो कॉफ़ी है हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है। गाइस, इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग कॉफ़ी का कितना कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से लाते हो, चाहे स्क्रब हो, पैक हो, तो आप लोग इजीली घर पर भी अपनी कॉफ़ी फेस पैक और कॉफ़ी स्क्रब बना सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया।
गाइस जो इसमें हनी ऐड है ताकि हनी हमारी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करता है, एंड इसमें जो है शुगर है जो हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है। कॉफ़ी भी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, एंड जो है इंस्टेंट ग्लोइंग लाता है, एंड हमारी जो स्किन को है डीपली जो है क्लीन करता है, यानी कि स्क्रब के साथ हमारे डेड सेल्स एंड जो वाइट हेड्स होते हैं वो अच्छी इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फेस पैक, जिसके लिए मैंने लिया है ये बेसन एंड ये जो है दही। गाइस मैंने पहले से ही इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ले लिया था, इसलिए इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एंड मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो बचा हुआ कॉफ़ी था, जो 2 रुपए की कॉफ़ी पाउच मैंने लिया था, उसमें से ही कॉफ़ी इसमें ऐड कर दूंगी। जो बचा हुआ कॉफ़ी था इसको इसमें ऐड कर दूंगी एंड इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गाइस अगर स्किन अच्छे से स्क्रब करने के बाद जो स्किन एक्सफोलिएट होता है, जो ओपन पोर्स खुल जाते हैं, तो इसके बाद हमें जो है फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारी जो ओपन पोर्स जो है वो क्लोज हो सके। गाइस इसके लिए मैंने ये जो है लिया है कॉफ़ी एंड जो कर्ड और बेसन। इससे क्या होता है हमारी स्किन जो है लाइटन करने में हेल्प करता है, इसके साथ स्किन को जो है टाइट बनाता है, और कॉफ़ी तो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ही, इसके साथ जो है दही वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, और बेसन हमारी स्किन को इंस्टेंट लाइटन बनाता है। तो अब लोग देख सकते हो मैंने स्क्रब कर लिया है, अब मैं अच्छे से जो फेस पैक है वो अपने चेहरे पर लगाऊंगी। आप लोग हर चेहरे की सभी जगह पर अच्छे से जो फेस पैक अप्लाई कीजिए, आप लोग ब्रश के हेल्प से या फिर अपनी हाथ के मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये जो पैक है, फेस पैक है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे कि इसमें दही ऐड है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और इसमें जो बेसन है वो हमारी स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करता है, और कॉफ़ी भी हमारी स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करता है। गाइस इस फेस पैक को आप लोग वीकली एक बार, हो सके तो एक बार ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करिए विथ स्क्रब के साथ। आप लोग वीकली एक बार ज़रूर कीजिए ताकि आपकी जो स्किन है वो लाइटन सॉफ्ट स्मूथ बना रहे। गाइस हमारी स्किन के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, बाहर मार्केट की प्रोडक्ट्स महंगी महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारी स्किन को जो है सुंदर एंड स्मूथ बनाने के लिए हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे जो है इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट्स है जो कि हमारी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। आप लोग बाहर का प्रोडक्ट यूज़ ना करके आप अपने घर पर ही ऐसे फेस पैक और जो है स्क्रब बना सकते हैं स्किन को ब्राइटन बनाने के लिए। एंड हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें अपने चेहरे और अपनी बॉडी के लिए। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं ऐसे और एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।